संबलपुर रे सत्याग्रह बेले पुलिस वकिल मुहांमुही जिला अदालत परिसर रे पुलिस वकिल मध्ये धस्ताधस्ती एवं ठेलापेला होईछि। गेट हेली कोर्ट परिसर रे धसै पसिछन्ति वकिल आंदोलनकारी उपरे पुलिस लाठीमाड़ करथिबा मथ अभिजोग होईछि। हाईकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा दाबी रे आज संबलपुर वकिल संघ पक्षरु सत्याग्रह डाकरा दिया जाइथिला। भारतीय एवं राज्य आईन परिषद रो मनमुखी कार्य विरोध रे सत्याग्रह डाकरा दिछन्ति आईएनजीपी। संबलपुर सहरर समस्त सरकारी कार्यालय बंद करा जायछि। बंदरे शताधिक सामाजिक संगठन शामिल होइछन्ते। सत्याग्रह को नजर रखि सहर सारा पुलिस छाउणी कर दिया जायछि। संबलपुर कचेरी छक समेत विभिन्न गुरुत्वपूर्ण स्थान रे 2 जन अतिरिक्त एसपी, 6 जन डीएसपी, 8 जन इन्स्पेक्टर, 20 जन एसआई एवं 11 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जायछि। सहर रे कोनोसी अप्रीतिकर परिस्थिति को एडायबा पई 2 प्लाटून रैपिड एक्शन फोर्स नियोजित करा जायछि। केवल संबलपुर नुहे राज्य सरकार को बेंच मिछ धरा पड़ा पर सारा पश्चिम ओडिशा रे तेजी वकिल आंदोलन। केन्द्र आईन मंत्री को बारंबार चिठी पर भी हाईकोर्ट बेंच नहीं विस्तृत रिपोर्ट देना। राज्य सरकार केउठारे स्थायी बेंच हे से नहीं स्थान निरूपण भी कराऊनी। वकिल मैंने सुंदरगढ़ में वकिल मैंने धारणा देते सामान दाबी में ब्रह्मपुर में वकिल संघ पक्ष शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रही। तेबे संपर्क अधिक अपडेट दबापे आम सहित ब्रह्मपुर जोड़ी आम प्रतिनिधि पीतांबर। पीतांबर वर्तमान आपण ब्रह्मपुर उपस्थित अच्छा वकिल महासंघ पक्षर वर्तमान जो आंदोलन चलती सेठाकर परिस्थिति कौन देखुं? देखो मंदाकिन मोर पाखे अच्छा गांधी का मूर्ति आपड़ देखुं मो सहयोगी चित्र देखा गंजाम बार एसोसिएशन तले गांधी मूर्ति को रखी वकिल संघ एवं से प्रतिवाद करु ये भिन्न धरण प्रतिवाद जे गंजाम बार एसोसिएशन शांतिपूर्ण भाव में आंदोलन को ओह्लाई आपड़ देखुं बार एसोसिएशन आगरे जो मुख्य रास्ता रही रास्त शताधिक चेयर पड़ी एवं चेयर रे संपूर्ण भाव वकिल संघर सदस्य मैंने प्रत्येक सदस्य आसी अन्यपटे कोर्ट का समस्त कार्य चली किंतु गंजाम बार एसोसिएशन जी भी सदस्य अच्छा से कौन सी कार्य में सहयोग करूना आपत देखुं वरिष्ठ आईनजीवी मैंने अच्छा जो सदस्य मैंने पदपदवी अच्छा से मैंने अच्छा आम आलोचना करवा आज्ञा सप्तगिरी उल्लाका जी कि सांसद अच्छा से मैं निकटे आईन मंत्री किरण जेजू को मध्य प्रश्न करते जे कहीं हाईकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा हो पारना किंतु से उत्तर मिलता जे राज्य सरकार चीफ जस्टिस जदि आलोचना करते जदि जगह चिन्हट करते तेब हो पारंता क्या कमी देखु? हाँ ठीक कथा। प्रथम सर्वप्रथम राज्य सरकार केन्द्र को चिठी लिखा उचित जे निश्चिंत भाव में ब्रह्मपुर आ संबलपुर ठार हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा करने आम उद्देश्य अच्छे आमर आनुषंगिक व्यवस्था आम करूँ किंतु आम मान्यवर मुख्यमंत्री 2013 मसीह खंडे चिठी लिखिले जे दक्षिण ओडिशा एवं पश्चिम ओडिशा रे हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा हो तार उत्तर आसला जे आप पश्चिम ओडिशा कौ जगार करने को चाहते आ दक्षिण ओडिशा कौ जगार करने को चाहते निर्दिष्ट स्थान आपको जनातु किंतु 8 वर्ष 9 वर्ष बीतीगला आम राज्य सरकार वर्तमान पर्यंत निर्दिष्ट स्थान निरूपण कर पारना जहाँ 33 वर्ष दाबी भितर ए गोटे जिनस कहीं राजनैतिक इच्छा शक्तिर अभाव आउ वकिल मारण नीति ए दुईटा सर्वभारत आउ किसी सदस्य अच्छा आज्ञा आपण केमती कौन के ढंग से आंदोलन को आज ओह्ल जेहेतु मस को शेष दिन मानक आंदोलन को ओह्लते आज आंदोलन को ओह्ल के ढंग से आज आम आंदोलन हूँ सत्याग्रह शांतिपूर्ण गणतांत्रिक उपाय आम करूँ जेहेतु कि मान्यवर सुप्रीम कोर्ट एकतरफा निष्पत्ति शुणा वकिल मान दमन करने चेष्टा कले जहाँकि आमर स्वाभिमान प्रति आंच आसला गोटे आईनजीवी हिसाब से सारा ओडिशार वकिल आज प्रतिवाद दिवस रूपे पालन करुचु जे हाईकोर्ट बेंच सबुटे हवा दरकार एवं न्याय समस्त पाखे पहुँचवा दरकार एवं आमे साधारण लोकों पर ये लड़ई शांतिपूर्ण उपाय कौन सी बिना बाधा विघ्न कौन प्रकार हार्म न करी ए आंदोलन को आम आज संपूर्ण करें आलोचना करते आउ किसी वरिष्ठ सदस्य अच्छा सर हाईकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा मोर सुविधा हम आपण मान सुविधा हम साधारण लोकटीर सुविधा हम किंतु एत पछघुंचा जदि हाईकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा हूँ आपण मैंने 33 वर्ष धरिकी संघर्ष कर आज बस कौन कह
जो माने सरकार रे अछंती जो माने हायर जुडिशियरी रे अछंती से मानंकर मानसिकता नाई हाई कोर्ट बेंच करबा पई जदि से मानंकर मानसिकता थांदा जदि आम पाखरे जयललिता होलिया मुख्यमंत्री थांते जयललिता जते बेले मु जते बेले सभापति थिले सेते बेले जयललिता तांकर आंदोलन को समर्थन करिकरि मदुराई रे बेंच प्रतिष्ठा करि देई पारले एवं ताहा आज 15 वर्ष हो सारे तेणु आमर राजनैतिक इच्छा शक्ति नाई आमर जनप्रतिनिधि मानकर कौन से प्रकार प्रेरणा कौन से प्रकार इनिशिएटिव नाई जहाँ फल एपरिकी जमी वर्तमान जनप्रतिनिधि माने निष्क्रिय होगा फल जिले में प्रशासन अधिकारी माने निज मनोइच्छा काम कर तहसिलदार बाटे तहसिलदार कलेक्टर बाटे कलेक्टर किए का कथा शुणुना ठीक सेमती जुडिशियरी रे मध्य जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन जेहेतु हाई कोर्टर इच्छा नाई जेहेतु सुप्रीम कोर्टर इच्छा नाई रिजु काली कहिछि जे चिट्ठी आंके दौना बोली रिजु काली कहिछि चिट्ठी आंके दौना चिट्ठीटे दबा को तुमको कौन असुविधा होगा तुमको तेणु जेहेतु आम एटा गणतांत्रिक उपाय रे एटी आंदोलन करुचु एवं जेहेतु आम कौन प्रकार बाधा विघ्न सृष्टि करने चाहूना तेणु मुझे चाहूना किंतु जदि तुम धीरे स्तुरे सुस्तरे जदि ये काम करदी कौन से प्रकार अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हो सी दायी किए हे तेणु दयाकोरी या को एक नंबर दाबी रूपे ग्रहण कर सब कम जमी करुच ये काम से करने चेष्टा कर आज सदस्य अच्छा आज्ञा सुप्रीम कोर्ट जो शुणी कले गुरुत्वपूर्ण कथा हो चर्चा चारिड़े चलुच्छी किसी सठिक तथ्य दबार असुविधा है ना ना सुप्रीम कोर्ट रे जो ओडिशा रो जो राजनैतिक नेतृवृंद अच्छा से मैने पार्लियामेंट को हो कि सुप्रीम कोर्ट को हो सठिक तथ्य आज जाए देना से सुप्रीम कोर्ट ये जो लाइसेंस कैंसल करदे कथा कही कौन कले आईनजीवी मैंने आंदोलन करेंगे ना से कथा सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची पारिनी कि सुप्रीम कोर्ट मध्य जानी ना ये आंदोलन होची गरीब खटिकिया लोकंर आम केवल रिप्रेजेंट कर श्रमिक मान चाषी मान तो लाइसेंस आमर कहीं कैनसल हम आम तो आम निजपाई लड़े करा आम गरीब लोक लड़े करमी मंदाकिन कहुची जे केवल वकिल मान आंदोलन नुह ये हूँ साधारण लोकटीर आंदोलन जमीक प्रतिक्रिया आम शुणी केवल वकिल संघ नुहंती ये हूँ गोटे साधारण लोकर आंदोलन आप नजर रखु पीतांबर खूब शीघ्र फेर भी आप निकट को आम सहित ज्योति नंद संबलपुर आम प्रतिनिधि जोड़ ज्योति जमीक कि समय आगु देखुले जे खाली वकिल संघ नुहंती सहित साधारण जनता भी सामिल होती आर पुलिस भितर एक प्रकार मुहांमु परिस्थिति सृष्टि होती बर्तमान स्थिति कौन देखुं कि सुधार आसाण कि स्थित देखो मनाकिनी आज जो संबलपुर जिले में स्थायी कोर्ट बेंच को नहीं जो दाबी रही केवल वकिल संघ का दाबी नुह यह विभिन्न संगठन सहित जनसाधारण दाबी आम सीधा सह देखे ये आप देखते विजुआल देखुए ये हजार हजार लोकों भिड़ रही मुख्यतः कतोटो दाबी रही कि से हाईकोर्ट स्थायी बेंच बेंच स्थापन कराऊस लोकों सुविधा हो पार लोके जो हैरान होते से विभिन्न दाबी रखुच्च कम आप सीधा विजुआल देखुबू ये हूँ संबलपुर जो हाईकोर्टर परिसर दृश्य आप देखुए ये अनेक लोक भिड़े अच्छा अनेक लोक मुख्य दाबी रखिंट कि संबलपुर जिले में एक हाईकोर्ट बेंच स्थापन कराऊ जहाँफल लोक सुविधा हो पार लोके सुविधा पाई लोक आशा रही कि आम देखा ये जो आंदोलन आज नुहे दीर्घ वर्ष धरी लग रही कि सफल हम ता लोक अपेक्षा रही आम सीधा अच्छा सहित अनेक मैंने ये साधारण लोक अच्छा सहित वकिल संघ अच्छे सीधा सहित आम आलोचना कौन तक प्रतिक्रिया रखुच्च देखु तो विजुआल देखुची एपटे आज आज देखो आज हाईकोर्ट बेच स्थापन आज समस्त तो आप कौन कह चाहते आज देखो हाईकोर्ट बेच हूँ आम न्याय दाबी आज्ञा जेन हाईकोर्ट बेच के नहींक्री जेन पातर नीति करुचन हाईकोर्ट और राज्य सरकार एटा आम संबलपुरवासी दृढ़ विरोध करुचु जे संबलपुर के हाईकोर्ट बेंच नहीं दरकार आमको संबलपुर के आम राज्य दरकार हाईकोर्ट बेंच नहीं राज्य दरकार आम एतकी आम दाबी है जो संबलपुर पश्चिम से जो एक राज्य स्वतंत्र राज्य घोषणा करा जाए
ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା କ'ଣ ହବ, ହାଇକୋର୍ଟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା କ'ଣ? ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ସୁବିଧା ସମ୍ବଲପୁରରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଗମନାଗମନ ହେଲା, ପାନୀୟ ହେଲା, ସବୁ ସୁବିଧା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖୁନ ଆର୍ ଡି ସି ଅଫିସ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଡି ଆଇ ଜି ଅଫିସ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଡିଆର୍ଏମ୍ ଅଫିସ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଆଉ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଅଫିସ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା? ସୁବିଧା ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଗମନାଗମନରେ। ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କରା, ହଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଆମର ଦାବି। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ସେପାରେଟ୍ ହେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ହେମୁ, କେନ୍ସି ହିସାବରେ ସେପାରେଟ୍ ହେମୁ, ତାର୍ ଲାଗି ଯାହା କିଛି ବି ଆମକେ କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ବା ଆମେ କର୍ମୁ, ମର୍ମୁ ୟା ତ ମାର୍ମୁ, ଯେନ୍ତା ବି ହଉ କର୍ମୁ। ମନାକିନି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖିବେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ମାନେ ଡିସି ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ଏଇ ସମସ୍ତ ଡି ଆଇ ଜି ଅଫିସ୍, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ଅଫିସ୍କୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଲୋକେ ଯାହା ବି ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଥିଲା କି ଆଗକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ନେଇ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସେମାନେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ, ନ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।